बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दिस इज़ पंजाब कॉलेज कबीरवाला। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सिक्स लेक्चर ऑफ चैप्टर वन फ्रॉम सेकेंड ईयर बुक केमिस्ट्री। टुडेज आवर फर्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द चार्ज ऑन एन एलिमेंट कैरी इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज होता है, डैट चार्ज इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। द चार्ज ऑन एन एलिमेंट कैरी इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स पे जो भी चार्ज मौजूद होगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी। हमारे पास जनरली टू टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड, लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड। जाहिर है आयनिक कंपाउंड है तो इट विल बी फॉर्म फ्रॉम आयंस, और आयनिक कंपाउंड्स में जिन आयंस से मिलके आयनिक कंपाउंड बना होगा उनके ऊपर जितना चार्ज होगा उन कंपाउंड में वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन के ऊपर चार्ज है +1 और Cl नेगेटिव के ऊपर चार्ज है -1, तो NaCl कंपाउंड में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी +1 और -1 होंगी रिस्पेक्टिवली। +1 होगी सोडियम की और -1 होगी क्लोरीन की। अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिपेंड्स करती हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ पर। अगर हम बात करें स्टेनस क्लोराइड की, टिन क्लोराइड की, इसमें हमारे पास जो स्टेनस है इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4 एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 क्लोरीन इज -1 एंड फॉर 4 क्लोरीन्स इट विल बी -4। यहाँ पर कोवलेंट कंपाउंड्स में हम कौन से स्टेट प्लस में होगी, कौन सी माइनस में होगी, ये डिपेंड करेंगी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। सिंस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन स्टेनस देन टिन, दैट इज वाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन विल बी रिटन विद नेगेटिव साइंस। अगर हम पीरियोडिसिटी की बात करें, हम पीरियोडिक बिहेवियर की बात करें, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली व्हेन वी आर मूविंग अलोंग द पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन एवरी ग्रुप नंबर विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इट्स एलिमेंट्स। अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो हर ग्रुप के मेंबर्स का कॉमन ऑक्सीजन स्टेट उसकी ग्रुप नंबर होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ए के एलिमेंट्स की, अल्कली मेटल्स की, तो इसके जितने भी मेंबर्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ग्रुप सेकंड ए की, तो क्योंकि इनका ग्रुप नंबर सेकंड है तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास होगी +2। और फिर हम बात करते हैं अगर ग्रुप नंबर थर्ड ए की, तो ग्रुप नंबर 3 होने की वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3। और इस तरह से अगर हम बात करते हैं ग्रुप 4 ए की, तो ग्रुप नंबर 4 होने की वजह से इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी +4। ग्रुप नंबर 4 तक अगर हम मूव करें लेफ्ट से राइट, तो ग्रुप नंबर 4 तक जो हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं वैलेंस शेल में मौजूद किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। ग्रुप नंबर 1 में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 है, सेकंड के पास 2 हैं तो +2 है, थर्ड ग्रुप के पास 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद है तो उसकी +3 है, और फोर्थ ग्रुप के पास +4 ऑक्सीजन स्टेट मौजूद है तो उसकी +4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद है तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास +4 होगी। लेकिन ग्रुप 4 के बाद जब हम मूव करते हैं ग्रुप नंबर 5A पर, 6A पर या फिर 7A पर, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स दो बातों पे डिपेंड कर सकती हैं। एक तो वही पुरानी बात कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, और सेकेंडली नंबर ऑफ वैकेंसीज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, कि आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर भी डिपेंड कर सकती है, और आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की जगह मौजूद है ऑक्सीजन स्टेट उस पर भी डिपेंड कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम फिफ्थ ग्रुप की बात करें तो फिफ्थ ग्रुप में ऑक्सीजन स्टेट +5 तो होगी ही, लेकिन क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है, इसी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 भी पॉसिबल है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही
अगर हम सिक्स की बात करते हैं, सिक्स में हमारे पास मेंबर्स हैं जी, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है, एट्सेट्रा। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स तो हो सकती है कॉमन ग्रुप की वजह से, साथ साथ इसके पास वैकेंसी है टू इलेक्ट्रॉन्स की, तो टू इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी होने की वजह से इट कैन ऑल्सो एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ माइनस टू। इस बात को हम अगर एग्जाम्पल से समझें, सल्फर की अगर हम बात करते हैं तो सल्फर का कंपाउंड वी नो H2SO4, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस सिक्स, और अगर हम बात करें H2S की, हाइड्रोजन सल्फाइड की, तो इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज माइनस टू। तो फोर के बाद के जो मेंबर्स हैं, ग्रुप्स मेंबर हैं, उनकी ऑक्सीजन स्टेट दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर सकती है, उनके ग्रुप नंबर पर भी, उनके वैलेंस शेल में मौजूद टोटल इलेक्ट्रॉन्स पर भी, और उनके वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की वैकेंसीज पर भी। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर सकते हैं उनकी ऑक्सीजन स्टेट उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही हैलोजिन के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी मौजूद होती है, तो हैलोजिन कैन ऑल्सो एग्जिबिट माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसके साथ अगर हम बात करते हैं ग्रुप 8A की, तो ग्रुप 8A इज नोन एज नोबल गैसेस, और नोबल गैसेस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है डेट इज जीरो। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी हम इन्हें कहते हैं, और नोबल गैसेस की ऑक्सीजन स्टेट भी जीरो ही कंसीडर्ड की जाती है। उसकी वजह हमें पता है, हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, देयर वैलेंस शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। तो कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से ना तो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी है, ना ही वो इजीली दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करते हैं, इसी वजह से दे आर नोबल गैसेस, इसी वजह से दे हैव जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो हमारे पास ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स मौजूद थी, और ये हमने इनका ट्रेंड भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हमारे पास कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स या लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टेंस फ्री इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की भी अगर हम बात करें। और फ्री या लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मेटल्स। मेटल्स में हमारे पास लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, तो कंडक्टिविटी भी हमारे पास उन्हीं के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर्स। तो अगर हम पीरियोडिसिटी की बात करें, पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो हमारे पास मोस्ट लेफ्ट साइड पर मेटल्स मौजूद हैं और मोस्ट राइट साइड पर नॉन मेटल्स मौजूद हैं। तो जैसे जैसे हम मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जाएंगे तो नॉन कंडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो कि कंडक्टिविटी कम होगी, या आप कह सकते हो नॉन कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और लेफ्ट राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और अगर हम ग्रुप्स में मूव करें टॉप टू बॉटम, क्योंकि टॉप टू बॉटम मूव करते हुए हमारे पास मेटेलिक करेक्टरिस्टिक इंक्रीज होती है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ना शुरू हो जाता है, इसी वजह से टॉप टू बॉटम मूव करते हुए कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। तो ये तो जनरल ट्रेंड था हमारे पास, हम अभी इसको डिस्कस करते हैं, मजीद एक्सप्लेन करेंगे। एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन आता है कि वाई ग्रेफाइट शोज फेयरली गुड कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू डायमंड। ग्रेफाइट की कंडक्टिविटी डायमंड के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी क्यों होती है? अभी हमने बात की कि लेफ्ट से राइट हम मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि नॉन मेटेलिक करेक्टर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ग्रुप फर्स्ट ए के मेटल्स गुड मेटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज़ करते हैं, कंडक्टर्स होंगे। सेकेंड ग्रुप के मेम्बर्स भी इजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, गुड कंडक्टर्स हैं। थर्ड ग्रुप के मेम्बर्स भी कंडक्टर्स हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड के मुकाबले में कंपेरेटिवली कुछ कम कंडक्टिविटी होगी उनकी। और ग्रुप फोर की अगर हम बात करते हैं, ग्रुप फोर में हमारे पास बड़ा एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट पड़ा है, डेट इज़ कार्बन। कार्बन की हम दो इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, एक तो हमारे पास है डायमंड और एक है ग्रेफाइट। तो डायमंड जो है इट इज अ नॉन कंडक्टर, जबकि ग्रेफाइट इज फेयरली
गुड कंडक्टर। तो यही क्वेश्चन है, वजह क्या है कि हमारे पास ग्रेफाइट के गुड कंडक्टर होने की वजह और डायमंड के नॉन कंडक्टर होने की वजह, हालांकि दोनों ही एक ही एलिमेंट के एलोट्रोप्स हैं। अब वजह यह है कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर है ये जायंट स्ट्रक्चर होता है, थ्री डायमेंशनल फैला हुआ, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, स्ट्रॉन्गली हेल्ड, कस के पकड़े हुए होते हैं। हर कार्बन एटम ने इलेक्ट्रॉन्स अपने और दूसरे एलिमेंट के भी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड किए हुए होते हैं, स्ट्रॉन्गली हेल्ड किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते और कंडक्टिविटी नहीं हो सकती। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है लेयर्ड। लेयर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका एक इलेक्ट्रॉन इज लूजली अटैच्ड, तो लूजली अटैच्ड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, जिसकी वजह से ग्रेफाइट कैन एग्जिबिट कंडक्टिविटी व्हाइल डायमंड कैन नॉट। डायमंड नहीं कर सकता लेकिन ग्रेफाइट कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसी ग्रुप की तो कार्बन के बाद हमारे पास मेंबर है सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, टिन और लास्ट में लेड। तो अभी हमने बात की कि टॉप टू बॉटम मूव करते हुए कंडक्टिविटी बढ़ती है। कार्बन हमारे पास बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, ग्रेफाइट के केस में कंडक्टर है, डायमंड के केस में नहीं है। तो अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है और उसका प्रूफ हमें देते हैं स्टेनस और लेड। तो वो आपकी बुक में लिखता है कि हमारे पास स्टेनस और लेड की कंडक्टिविटी बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाती है कि आप इनकी कंडक्टिविटी को कंपेयर कर सकते हो विद ग्रुप फर्स्ट ए विच आर वेरी गुड कंडक्टर्स। स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास और लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिसिटी है, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। इसको अगर हम डिफाइन करें तो हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब आर एवॉल्व, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, एवॉल्व भी हो सकती है। किस वक्त? व्हेन वन मोल ऑफ गैशियस आयन कोई भी आयन गैशियस फॉर्म में डिजोल्व किया हुआ, हल किया हुआ वाटर में, क्या करने के लिए? टू गिव एन इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक इन्फिनिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए। जब हम किसी गैशियस आयन के एक मोल को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो उसके रिजल्ट में जितना हीट चेंज आएगा, चाहे वो एक्सोथर्मिक हुआ चाहे वो एंडोथर्मिक हुआ, डैट हीट चेंज विल बी नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हाइड्रोजन आयन को वाटर में डिजोल्व करें, H3O+ बनेगा, तो इसके केस में जो एनर्जी रिलीज होगी डैट विल बी -1075 किलो जाउल पर मोल। पीरियोडिसिटी हमने डिस्कस करनी है स्टूडेंट्स, तो पीरियोडिसिटी डिस्कस करने के लिए हमारे पास सिर्फ आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी का रिलेशन चार्ज और साइज के साथ क्या होगा। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड हाइड्रेशन एनर्जी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू साइज। चार्ज जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा, साइज जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही कम। तो हमारे पास हम डिस्कस करें, हमारे पास चार्ज जितना बढ़ेगा, यानी कि हमारे पास +1 चार्ज वाला और +2 चार्ज वाले में से अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करें तो हमारे पास +1 वाले की हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी और +2 वाले की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर हम कंपेयर करते हैं +1 और -1 वाले के साथ, तो -1 वाले की हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, +1 वाले की हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड है और हाइड्रोजन आयन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आयन का चार्ज ज़्यादा है, क्लोराइड आयन का चार्ज कम है, तो हाइड्रोजन आयन की जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी डेट विल बी मोर एज कम्पेयर टू Cl नेगेटिव आयन। मोर ओवर अगर आप साइज के हिसाब से भी देखो तो हमें ये बात पता है कि कैटाइन के साइजेस जो हैं वो स्मॉल होते हैं और एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट एटम, और एनायन के साइजेस जो हैं दे गेट्स बिगर एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट एटम। तो साइज के कंपेरेटिवली क्लोराइड का साइज ज़्यादा होगा तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम। देखो चार्ज भी कम और साइज ज़्यादा, तो दोनों चीज़ें फेवर कर रही हैं कि क्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रोजन आयन के मुकाबले में
कम होगी। और हाइड्रोजन आयन की हाइड्रोजन आयन का चार्ज भी ज़्यादा, साइज भी कम, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है। तो दोनों पॉइंट्स फेवर कर रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो हमारे पास ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू Cl नेगेटिव आयन। तो स्टूडेंट्स हम याद रखेंगे हमेशा कि जहाँ पर चार्ज बढ़ेगा, जिस एलिमेंट का चार्ज ज़्यादा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, जिसका चार्ज कम होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। नेगेटिव और पॉजिटिव में से हम जब भी कंपेयर करेंगे, पॉजिटिव की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, नेगेटिव की हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी। जिस एलिमेंट का साइज जितना ज़्यादा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी कम होगी, जिस आयन का साइज जितना कम होगा, स्मॉलर होगा, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ से बड़ी आसानी से हम ट्रेंड जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि जब हम ग्रुप्स में मूव करेंगे टॉप टू बॉटम तो चार्ज तो सेम रहेगा लेकिन साइज टॉप टू बॉटम क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो जब साइज इंक्रीज होगा स्टूडेंट्स, अभी तो हमने डिस्कस किया कि साइज इंक्रीज होने का मतलब हाइड्रेशन एनर्जी विल डिक्रीज, तो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस। और अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करें तो लेफ्ट से राइट मूव करते हुए एक तो चार्ज भी बढ़ता चला जाएगा, अभी हमने ऑक्सीजन स्टेट्स में बात की, चार्ज इंक्रीज कर रहा होगा, और अगर हम साइज के रिस्पेक्टिव बात करें तो साइज हमारे पास डिक्रीज होगा। और अभी हमने बात की साइज के साथ हाइड्रेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है, साइज अगर डिक्रीज होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी विल इंक्रीज। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज लेक्चर, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।